नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर केंद्र सरकार पर किया हमला। कानून वापसी को बताया उत्तर प्रदेश चुनाव का लॉलीपॉप। संसद में कानून वापसी एवं एमएसपी की गारंटी मिलने तक किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटने का किया ऐलान। शुक्रवार 19 नवंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को पालघर में भूमि सेना और आदिवासी एकता परिषद की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे और तीन कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी सरकार पर हमलावर दिखे। टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर कारपोरेट घराने की दलाली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के बढ़ते विरोध और यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन जब तक संसद से कानून वापस नहीं लिए जाते और सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती, केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा, जल जंगल पर आदिवासियों का पहला अधिकार है। टिकैत ने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। इस दौरान भूमि सेना के अध्यक्ष कालूराम धोदड़े सहित आदिवासियों से कई बड़े नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। जो कानून है इनको वापसी लेते हैं, जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर एक साल बाद में सरकार ने सुन ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके से कानून को वापस लिया गया, क्या मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाकर किसानों के हित में निर्णय लिया है? नहीं नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है ना, तो फाइनल साल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई। लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये, और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई दो पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोलो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सर, आपको ऐसा लगता है कि यूपी इलेक्शन के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया? बिल्कुल, ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियां उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकते, बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल, जल जंगल, जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। आज तक के बाद लाइन का टाइम तीन कानून सरकार के लोग रहेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।